Hello my dear viewers, welcome to my channel. In this video I am going to give you all the objectives of the poem Matrubhumi. Question answers of this poem I have already uploaded in my previous video, part 1 of this video. So now let us move on. Anurupta. This is a type of objective where seeing the first pair you have to solve the second pair. Number 1, वसीयत, नाटक, चित्रलेखा, उपन्यास. नाटक मीन्स ड्रामा और प्ले, उपन्यास मीन्स नॉवल. सो इफ वसीयत इज अ ड्रामा देन चित्रलेखा इज अ नॉवल. सेकेंड वन, शत शत द्विरुक्ति, हरे भरे शब्द युगम. शत शत इज अ टू वर्ड, इट इज अ सेम वर्ड सेड ट्वाइस. सो वेन वी यूज वर्ड्स लाइक शत शत और बार बार और कोटि कोटि, देन दीज वर्ड्स कम अंडर द्विरुक्ति. शब्द युगम, इट इज अ कॉम्बिनेशन वर्ड्स दैट इज यूज टू एनहेंस द पोयम और एनी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, सुख संपत्ति, धन धन धाम और हरे भरे, वन उपवन एट्सेट्रा. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑफ बोथ. नाउ द थर्ड वन इज बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञान दीप. बाएं हाथ में मीन्स इन लेफ्ट हैंड जस्टिस ऑफ फ्लैग, इन राइट हैंड लाइट ऑफ नॉलेज. फोर्थ वन, हस्त हाथ पताका झंडा. हस्त मीन्स हैंड, पताका मीन्स फ्लैग. सो नाउ द नेक्स्ट मेन इज जोड़ कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग. तेरे विश्व में शायद गांधी, बुद्ध और राम. हियर तेरे इज रिप्रेजेंटिंग मदरलैंड. द पोएट इज सेइंग इन मदरलैंड गांधी, बुद्ध एंड राम एग्जिस्ट और स्टे. द नेक्स्ट इज फल फूलों से युत वन उपवन. फॉरेस्ट आर डेकोरेटेड विद फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. एक हाथ में न्याय पताका, इन वन हैंड जस्टिस ऑफ फ्लैग. नेक्स्ट, कोठी खोटी हम आज साथ में, टुडे इन क्रोर्स वी आर यूनाइटेड. द लास्ट वन, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मदरलैंड वी सल्यूट यू 100 टाइम्स. सो नाउ द नेक्स्ट मेन इज रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं. द पोएट is saluting motherland 100 times. Second one, Bharat maa ke ur mein Gandhi, Buddha aur Ram shayit hai. In the heart of motherland, Gandhi, Buddha and Ram exist. Third one, van upvan phal phoolo se yukt hai. Forests are filled with fruits and flowers. Fourth one, mukt hast se matrubhumi sukh sampatti baat rahi hai. Motherland is distributing its peace, wealth with free hands. The last one, Sabhi aur Jai Hind ka naad goonj uthe. Everywhere slogan of Jai Hind should be heard. Now the next main is Bhavarth likhiye. Ek haath mein nyay pataka, gyan deep dusre haath mein, jag ka roop badal de, he ma, kothi kothi hum aaj saath mein. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम. नाउ हियर यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइंस इन योर ओन वर्ड्स. सो लेट अस सी द आंसर. इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा है. यह पंक्तियां मातृभूमि नामक कविता से ली गई है. इन पंक्तियों द्वारा कवि ने हमें यह बताया है कि मातृभूमि अपने एक हाथ में न्याय का झंडा और दूसरे में ज्ञान की दीप लिए सभी लोगों को सीधे रास्ते पर चलने को कह रही है. हमारी धरती माँ ने कई महान लोगों को जन्म दिया है और अपने बच्चों से कह रही है कि वे अपने मन से भेदभाव की भावनाओं को हटाकर मिलजुल कर रहा करें. देश के सभी लोग जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़े ताकि यह आवाज़ सभी नगर और ग्राम में गूंज उठे.
इसलिए कवि मातृभूमि को सौ सौ बार प्रणाम कर रहे हैं. सो हियर इट मीन्स दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोयम मातृभूमि रिटन बाय पोएट श्री भगवती चरण वर्मा. हियर द पोएट टेक्स द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स टू एक्सप्लेन हाउ अवर मदरलैंड taking justice of flag in one hand and light of knowledge in another tells each and every one to walk on straight path. She has given birth to many great people who stays in her heart, and she also warns her children not to fight with each other against religion, caste or creed, but to live a life with full of happiness, peace and harmony. She also wants people of India to unite and say Jai Hind in chorus so that it can reach every corners of cities and villages. The poet is inspired by the motherland and salutes her 100 times. I hope you understood this answer. Now the last main here is Kavita ko poorn kijiye. Hare bhare hai khet suhane, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. सो इफ यू वॉन्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव एक्सप्लेन ऑल द 3 stanzas. So with this, I have completed this poem by giving all the answers and objectives. So if you like my video, do hit the like button and do not forget to subscribe my channel. Thank you.